क्योंकि वजीर आजम आज एक और नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने दिल्ली के अंदर जा रहे हैं। जी और ये अहम प्रोजेक्ट इसलिए है कि मुल्क के अंदर अब पहली ऐसी ट्रेन दौड़ेगी जो बिना ड्राइवर के होगी। दिल्ली एनसीआर में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये ट्रेन देखने को मिलेगी, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम इस ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। इसकी शुरुआत होगी हरी झंडी दिखाकर। दिल्ली एनसीआर में ये ट्रेन बिना ड्राइवर के चलेगी। इस बीच आपको बताते चलें कि ये ट्रेन जो बताया जा रहा है कि जहां पर जनकपुरी वेस्ट से लेकर बोटेनिकल गार्डन पर मुल्क की पहली ऐसी ट्रेन होगी जो इस हिस्से के दौरान बिना ड्राइवर के चलने वाली है। और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विस का इफ्तिताह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीरे आज़म खुद करेंगे। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमसी यानी दिल्ली की तरफ से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ये इतला दी है कि 11:30 के आसपास प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जहां पर वज़ीरे रेल भी होंगे और साथ ही साथ वजारत के दीगर आला अफसरान, जिसका बड़ा अहम किरदार रहा है अब तक इस ट्रेन को लाने में जो बिना ड्राइवर के अब दिल्ली के अंदर दौड़ती नजर आएगी और जिसका इफ्तिताह वज़ीरे आज़म खुद करेंगे राजधानी के खित्ते के अंदर। और अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो सुबह सुबह कामकाज की घर से निकलते थे, तलबा के लिए, और बताया ये भी जाता है कि मेट्रो के हिसाब से ये जो मेट्रो ट्रेन है इसमें किराया भी कम और दूसरी मेट्रो के मुकाबले इसमें वक्त भी कम लगेगा, यानी टाइम भी बचेगा और पैसा भी, जो सरकार का दावा है। ये सब चीजें बाद में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर ये दिल्ली वासियों के लिए कि दिल्ली के अंदर पहली ऐसी ट्रेन जिसकी शुरुआत आज वज़ीरे आज़म के हाथों होगी, ये ट्रेन बिना ड्राइवर के अब दिल्ली एनसीआर में दौड़ती नजर आएगी।